लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने सीएए को लेकर कहा कि नागरिकता कानून केंद्र ने बनाया है और राज्य को इसे मानना ही पड़ेगा, विपक्ष लोगों को भड़काना बंद करे। इस दौरान ताई ने प्रशासनिक अधिकारियों को भी जमकर आड़े हाथों लिया। देखिए एक खास रिपोर्ट। हमेशा सरल और सहज दिखने वाली पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन कमलनाथ सरकार की माफिया मुहिम के खिलाफ काफी गुस्से में नजर आईं। इस दौरान उन्होंने मुहिम की आड़ में भाजपा नेताओं पर कार्रवाई करने का आरोप लगाया कि जिस प्रकार से कार्रवाई हो रही है, हमारा एक कार्यकर्ता कुछ एक ऐसा दौड़ता हुआ अगर आता है कि 70-80 साल से खजराना में उनका मकान बना हुआ था। सही बात है, 70-80 साल, 70-80 साल पहले वो एरिया कैसा था सबको मालूम है। कोई नगर निगम से बना नहीं था, वहां पे वहां मकान बना हुआ था, आजाद नगर में मकान था। और इस तरीके से वहां पर जाते हैं सब लोग, गाड़ियां ले लेके जाते हैं, 15 मिनट में कार्रवाई भी ऐसी होती है, कोई कागज नहीं देखेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तुरंत निकल जाओ घर के, सब लोगों को बाहर निकाला जाता है और पूरा मकान ऐसे तोड़ा जाता है जैसे बहुत बड़ा माफिया हो। वहीं सुमित्रा महाजन ने राजगढ़ कलेक्टर को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि धक्के देना कलेक्टर का अधिकार नहीं है। ताई ने निधि निवेदिता पर चुटकी लेते हुए कहा कि आपका काम ऑर्डर देना है। मैं इतना ही पूछूंगी, हमारे भी कलेक्टर महोदय बैठे अंदर, जानते हैं आखिर कलेक्टर का काम क्या होता है। मैं ये नहीं कहती कोई गलत बोलता है, टिप्पणी करता है तो मैंने कभी उसका सपोर्ट नहीं किया, मगर हुआ क्या ये तो समझो। कलेक्टर का आज तक इंदौर में कभी आपने ऐसे देखा कि अभी कलेक्टर दौड़ते आए किसी को धक्का मार रहे? नहीं, उनका ये काम ही नहीं है। हाँ, तुमने धारा 144 लगाई, अच्छा लोग कलेक्टर ऑफिस भी नहीं पहुंचे थे, मंदिर में जमा हो गए थे। जैसे हमारे यहाँ हमने कहा दशहरा मैदान पे एकत्रित हो जाएंगे सब, वहां से निकलेंगे तो मंदिर के प्रांगण में जमा हो गए थे लोग सीएए का सपोर्ट करने के लिए, हाथ में राष्ट्र ध्वज लेकर के, और मंदिर के प्रांगण में फिर वहां से इकट्ठे होके निकलने वाले थे, निकले भी नहीं थे। और कलेक्टर महोदया वहां पहुंचती है, वहां पहुंचती है, कोई ऑर्डर भी नहीं, ऑर्डर निकाला ना, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हो तुम, कोई ऑर्डर भी नहीं निकाला है, वहां इसलिए पहुंचती है हाथ में बड़ा ताला में। यहाँ जो बैठे है अगर जानकारी नहीं हो तो बताना चाहूंगी, हाथ में ताला लेकर के पहुंचती है। ताला क्यों? तो मंदिर के प्रांगण में जो बड़ा गेट है उसको बंद करके मैं ताला लगाऊंगी ताकि लोग अंदर के अंदर रह जाए। तुमने जेल डिक्लेयर किया था क्या? ताला लगाओ मंदिर प्रांगण को, क्या जेल डिक्लेयर किया था क्या? नहीं किया था, फिर ये कैसे करती हो? और जब लोग बाहर निकलने लगे हाथ जोड़ रहे हैं, ये कलेक्टर का काम ही नहीं है। उसका काम तो है लॉ एंड ऑर्डर के लिए, तुम निकालो जो भी आज्ञा निकालना है, पुलिस को बोलो कि इसको संभालो। पुलिस तो हंस रहा है क्योंकि वहां कोई गड़बड़ियां नहीं हो रही थी। तो जिस तरीके से व्यवहार है कलेक्टर का, क्या इसकी बात कोई नहीं करोगे? वहीं पूर्व लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून केंद्र ने बनाया है और इस कानून को राज्य को मानना ही पड़ेगा, विपक्ष लोगों को भड़काना बंद करे। भाजपा ने माकपा की पॉलिट ब्यूरो की सदस्य और पूर्व सांसद सुभाषिनी अली को भूली बिसरी नेता बताते हुए कहा कि उनकी पार्टी का अब कोई नामो निशान तक नहीं है और वे इंदौर में जनता को भड़काने आ गईं। सीएए की बहुत बातें होती है, ये कानून बनाया, इनको लगता है संविधान के खिलाफ कार्रवाई हो गई है, नहीं होना चाहिए। पहली बात तो बताना चाहूंगी कि कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दिए हैं कि केंद्र को कौन से कानून बनाना, स्टेट को कौन से कानून बनाना, और उस अधिकार के तहत अगर केंद्र कानून बनाता है तो स्टेट वाले नहीं कह सकते हैं कि हम इस कानून को नहीं मानेंगे, केंद्र का अधिकार है। और कानून भी कब बना रहे हैं? जब उनको 2/3 बहुमत मिला है,
जनता ने उनको यह अधिकार दिया है कि आप कानून बनाओ। बाकी तो सब आपको मालूम है, सालों साल से क्या हो रहा है क्या नहीं। मैं केवल संवैधानिक बात बता रही हूँ। जनता ने दो तिहाई अधिकार दिया है। अगर तुम्हें कल दो तिहाई अधिकार मिला, जनप्रतिनिधि या जनता ने दिया, तुम उस कानून को निरस्त करना चाहते हो उस समय करो, मगर आज तो उन्होंने अधिकार के साथ किया है तो स्टेट गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती। हाँ, एक रास्ता आपको खुला है, ये प्रदर्शन करके कानून निरस्त नहीं किया जा सकता है। भारत में प्रजातंत्र इतना पक्का है, संविधान इतना व्यवस्थित है, हर एक को कार्यपालिका, न्यायपालिका, संसद, हर एक के अपने अधिकार तय है। और इसलिए मैं कहना चाहूंगी, अगर कुछ तुम्हें गलत लगता है तो आप जाइए सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में भी गए हैं कोई बात नहीं, उसका विरोध नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का इंतजार करना चाहिए। ये जिस तरीके से लोगों को भड़काने की बात होती है, भूले बिसरे नेता आ रहे हैं। वो परसों आई थी हमारी सुभाषिनी जी, कोई थी मेरे साथ संसद में, अब इनका नामो निशा नहीं रहा है इनकी पार्टी का, मगर भड़काने के लिए आ जाते हैं। तो इस प्रकार से ये करने का किसी को अधिकार नहीं है। जाओ बोलो, कोर्ट का जो निर्णय होगा वो सभी के लिए मान्य होगा, ये मेरा कहना है। इसलिए ये धरने चल रहे, ये विरोध प्रदर्शन चल रहे, ये सब गलत है। सरकार का अधिकार है, दो तिहाई बहुमत है पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट में कानून किया है। अगर आपको लगता है कि ये संवैधानिक बात नहीं है, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, आप सुप्रीम कोर्ट जाओ, उसका जो भी निर्णय आएगा वो सबको मान्य करना पड़ेगा, मगर तब तक लोगों को भड़काने का काम कोई नहीं करे, यही मेरा निवेदन है। ये मेरा, मुझे लगता है जो जो आपके प्रश्न हो उन सब प्रश्नों का उत्तर हमने दिया है। और आज यहाँ जो आंदोलन है, ये भी आंदोलन इसके लिए है कि दो चार के बहुमत से तुम्हारे हाथ में सरकार आई है, तुम्हारे हाथ में सत्ता आई है, तो हम ये बताना चाहते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि जनता ने तुम्हें कोई। कुल मिलाकर ताई ने बीजेपी के मंच से न सिर्फ कमलनाथ सरकार को निशाने पर लिया, बल्कि प्रशासनिक अधिकारियों को भी नसीहत दी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।